रिवाज है, ये भाई का एक सवाल है। ये चेन्नई शहर में, चेन्नई स्टेट में एक वेलूर नामक एक शहर है, वहाँ पर एक टेम्पल है। उस टेम्पल में लक्ष्मी नारायण की मूर्तियाँ हैं। हाँ जी, ये लक्ष्मी नारायण की मूर्तियाँ और उस गर्भगुड़ी के स्थान जो है वो सभी गोल्डन से बनाए गए हैं। वो भी 1600 केजियों की मूर्तियाँ हैं बेलूर में। बेलूर में, हाँ जी। किसकी यादगार है? आंध्र प्रदेश में बेलूर है या रायबेलूर? लक्ष्मी नारायण थे और उनकी प्रजा थी या जो भी उनके पास पास रहने वाले थे, वो लक्ष्मी नारायण जो चैतन्य में थे वो सच्चे थे या झूठे थे? सच्चे थे, सच्चा का ही सोना कहा जाता है, इसलिए वो मूर्तियां बनाने वाले ने सोने की बना दी ताकि ये साबित हो कि दुनिया में ये पहली जनरेशन ही 100% सच्ची होती है और उसके बाद जो भी जनरेशन आती है, परम नाम से जो भी आत्माएं आती हैं, वो द्वापर युग में कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्म में झूठी हो जाती है। इसलिए उनके सच्चे सोने के मंदिर बनाए हुए हैं, मूर्तियां बनाई हुई हैं और कोई देवता नहीं है जिसकी 100% सच्चे सोने की मूर्तियां बनाई गई हो। बुद्ध देव गौतम बुद्ध भी कह रहे हैं, गौतम बुद्ध है तो माना गौतम बुद्ध, माना गौतम माना तम प्रधान इंद्रिय। एक गौतम ऋषि थे और एक थे गौतम बुद्ध। गौ कहा जाता है इंद्रियों को और तम कहा जाता है पराकाष्ठा, श्रेष्ठतम, श्रेष्ठता की पराकाष्ठा, अति के श्रेष्ठ, भ्रष्टतम, भ्रष्टता की पराकाष्ठा। तो गौतम का मतलब ही हुआ कि इंद्रियों का भोग भोगने में जो श्रेष्ठतम थे। इसलिए उनको गौतम बुद्ध कहा जाता है। जो विधर्मी है ना सब, वो इंद्रियों का सुख भोगने वाले हैं, ये अतिंद्रिय सुख भोगने वालों की लिस्ट में आवेंगे है? वो इंद्रियों का सुख भोगने वालों की लिस्ट में है, अतिंद्रिय सुख भोगने वाले देवी देवताओं की लिस्ट में आने वाले नहीं है। जैसे गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या बताई जाती है, क्या किया था? विचार किया था, तो परंपरा में आज भी इस्लामियों में और मुसलमानों में ये परंपरा बन गई कि एक शादी से जीवन में नहीं चलेगा, 3-4 शादियां भी कर सकते हैं। भारत में ये परंपरा श्रेष्ठ नहीं मानी जाती। जब आदमी मरता है तो संतान घर को ले जाते समय राम नाम की सच्चाई कहते हैं। हाँ जी, तो उस समय नारायण के नाम क्यों सच्चे कहते हैं और राम को ही क्यों सच बोलते हैं? राम के मुकाबले दूसरा कौन है? रावण। रावण सत्य नहीं है। सत्य असत्य का कभी फैसला हुआ होगा?
सत्य असत्य का फैसला कब हुआ? द्वापर में हुआ, कलयुग में हुआ, सतयुग में हुआ, त्रेता में हुआ, कब हुआ है? जरूर कलयुग का जब अंत हुआ है तो सत्य और असत्य का फैसला हुआ। असत्य कौन है और सत्य कौन है? गॉड इज द ट्रुथ कहा जाता है। क्या एक ही सत्य है और बाकी सब असत्य है? जो असत्य है उनके अनेक सिर दिखाए जाते रावण, और जो सत्य है राम उसको एक सिर दिखाया जाता है। तो राम नाम ही सत्य है। नाम क्यों सत्य है? क्यों? काम के आधार पर नाम पड़ा है। राम ने सच्चा काम किया और रावण ने झूठा काम किया। सच्चा काम किया तो सोने की दुनिया बनी और रावण ने झूठा काम किया तो देखने में तो सोने की लंका बनी, लेकिन फिर उसका हश्र क्या हुआ? सोने की लंका का भी विनाश हो गया। और तमिलनाडु सीएम करुणानिधि बोलता है, तमिलनाडु सीएम करुणानिधि बोल रहा है, वो राम सेतु नहीं आरम जगजे बोलता है, आरम आरम जगजे बोलता है, एड अम्ब्रिज। हाँ बोलो क्या बोलता है? मुझे एडम कहो, चाहे राम कहो, चाहे शंकर कहो, चाहे आदम कहो, चाहे आदिदेव कहो, बात तो एक ही। राम ये नहीं बोलता है ना, है राम कहा है, राम नहीं कोई है, वो आदम विशेष वाला बना है, वो आदम उनको राम से एलर्जी होगी। बच्चा का नाम स्टालिन है, बच्चा का नाम स्टालिन है, बच्चा का नाम ही उन्होंने स्टालिन रख दिया। तो राम के ऊपर कैसे? फिर और एक पैसेज में कहा है जो डायरेक्ट बाप के बाप को पहचान रहे हैं वो विदेशी रहती है, डायरेक्ट बाप के पास आ रहे हैं। जो डायरेक्ट बाप के पास आते हैं वो विदेशी बनेगी। क्यों? नहीं, डायरेक्ट बाप के पास आते हैं, डायरेक्ट ही तो बैठे हुए सब। डायरेक्ट मानो बीके के बगैर, माँ के पालने के बगैर। हाँ ऐसे तो कोई आते नहीं है जिन्होंने यज्ञ के आदि में पालना न ली हो। एडवांस में जो भी आते हैं उस जन्म में चलो पालना नहीं ली ले, यज्ञ के आदि में तो पालना ली होगी। हाँ। जो नारायण के नशा में रहते हैं वो शिखंडी बनते हैं ऐसे बोला है एक मद्रास के कैसेट, चेन्नई के कैसेट में। पर नारायणी के नशा में रहना वाला क्या है? नारायणी पवित्र है या नारायण ज्यादा पहले पवित्र बनता है? पहले पवित्र कौन है? नारायणी पहले पवित्र है। तो पवित्र ज्यादा नशा कराएगा या अपवित्र ज्यादा नशा कराएगा? ज्यादा नशा कौन चढ़ाएगा? अरे नारायणी नशा गाया हुआ है या नारायण नशा गाया हुआ है? नारायणी नशा गाया हुआ है। और नारायणी नशा नारायण को ज्यादा चढ़ेगा? नारायण को ही चढ़ेगा। हाँ बाबा जी, कुछ लोग दो प्रकार के ही, राजर्षि और ब्रह्मर्षि। राजर्षि में कौन सा गुण होते हैं और ब्रह्मर्षि? ब्रह्मा को फॉलो करें सो ब्रह्मर्षि। हम बच्चों को क्या कहा, किसको फॉलो करना है? है ब्रह्मा को फॉलो करना है कर्मों में। तो जो ब्रह्मा को फॉलो करने वाले हैं, ब्रह्मा अपने जीवन में पवित्रता को पालन किया तो उनको फॉलो करने वालों में भी पवित्रता का बल रहता है।
इसलिए वशिष्ठ ऋषि को कहा गया है ब्रह्मर्षि और विश्वामित्र को कहा गया है राज ऋषि। वो क्षत्रिय वर्ग आ गया है उनको और उनको ब्रह्मर्षि कहा गया है, ब्राह्मणत्व का बल था। तो ब्राह्मण बनना अच्छा या क्षत्रिय राजा बनना अच्छा? बीच में फैलो है ना, बीच में फैलो कौन लंका के साथ फैलो ना कौन विश्वामित्र। हाँ, विश्वामित्र फेल हुआ, फिर जब लड़ाई लड़ा वशिष्ठ के साथ तो भी हार गया, वशिष्ठ जीत गया। किस आधार पर? प्योरिटी का, पवित्रता का दंड आगे किया और जीता। तो राज ऋषि को क्या बनना पड़े है? ब्रह्मर्षि बनना पड़े। फिर दोबारा तपस्या की, फिर ब्रह्मर्षि बन के और फिर गाय जीत ली। बाबा जी, श्री कृष्ण का जन्म 2018 में होंगे। उनके माता पिता लक्ष्मी नारायण है। उनके माता पिता लक्ष्मी नारायण है, लक्ष्मी नारायण कहते हैं। जिनके माता पिता लक्ष्मी नारायण है वो संगम युग के हैं या सतयुग के? तो जो संगम युग के होंगे तो उनके जो बच्चे पैदा होंगे वो संगम युगी बच्चे पैदा होंगे या सतयुगी बच्चे पैदा हो जाएंगे? संगम युगी लक्ष्मी नारायण होंगे तो उनके बच्चे भी संगम युगी होंगे। जिन जिन राधा कृष्ण की पैदाइश की बात बताई गई है वो राधा कृष्ण 18 की बात, वो संगम युग है या सतयुग है? वो सतयुग की बात है। संगम युग में जिन लक्ष्मी नारायण से राधा कृष्ण का जन्म होगा वो जन्म स्थूल जन्म होगा या प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा? जन्म शास्त्रों में जो गायन है वो संगम की कृष्ण का गायन है या सत्युग की कृष्ण का गायन है? संगम की कृष्ण का गायन है। सत्युग में जो कृष्ण पैदा होगा वो 5 तत्वों से पवित्र होगा, पैदा करने वाले भी पवित्र होंगे 5 तत्वों से। और 2018 में 5 तत्व पवित्र नहीं बन जाएंगे क्योंकि दुनिया की जो आत्माएं 500-700 करोड़ वो पवित्र बन जाएंगी। पहले आत्माएं पवित्र बनेंगी, पहले पहले 5 तत्व प्रकृति के पावन बनेंगे। पहले प्रकृति के 5 तत्व पावन बनेंगे जड़ तत्व, या पहले चैतन्य आत्माएं पावन बनेंगी? तो चैतन्य आत्माएं 2018 में पावन बन जाएंगी या 2036 तक ही पावन बनेंगी? अठारह में चैतन्य आत्माएं पावन बन जाएंगी दुनिया की? पावन बन जाएंगी 2018 में। और 9-10 साल रह गए हैं है? 10 साल के अंदर प्रकृति के 5 तत्व जो हैं वो पावन बन जाएंगे। चार अवस्थाएं पावन बन जाएंगे। पावन जब कहा जाता है तो 100% पावन को ही पावन कहा जाता है। पावन दुनिया में सब पावन होंगे, पतित दुनिया में सब पतित होंगे। तो 2018 में सारी दुनिया पतित बन जाएगी या पावन बन जाएगी? पतित पना दुनिया में अभी बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। और ये पतितपना बढ़ता ही रहेगा जब तक दुनिया की आबादी बढ़ती रहेगी। पतितपना खलास तब होगा जब दुनिया खलास होगी।
चैतन्य आत्माएं जो भ्रष्टाचारी आचरण करने वाली है, भ्रष्टाचारी वाइब्रेशन दृष्टि वृत्ति छोड़ने वाली है, वो सब खलास हो जाए, श्रेष्ठ आचरण वाली आत्माएं रह जाए, तब उनके श्रेष्ठ आचरण और श्रेष्ठ वातावरण, श्रेष्ठ दृष्टि से श्रेष्ठ वृत्ति वाली सृष्टि बनेगी। अभी तो मिक्स हो जाता है, श्रेष्ठ है मुट्ठी भर और भ्रष्ट है ढेर के ढेर, तो वातावरण खराब होता रहता है। इसे 2018 में साकार कृष्ण जन्म लेगा ऐसी बात नहीं है, संगत भी कृष्ण का जन्म होगा। प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा, सब जान जाएगी, सबको पता लग जाएगी कि कृष्ण बनने वाले हैं। हाँ जी, हाँ जैसे देखने के आदि में अखबार में पढ़ी थी, जैसा क्या होम मंडली, हाँ जी, इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, तो तीन आत्माएं संसार में रिचेस्ट साबित होंगी। और बी के लोग कहते हैं ये कृष्ण का जन्म हम माउंट आबू में दे देंगे कहते हैं। अरे वो कभी नेपाल में बोलते हैं, कभी लंदन में मम्मा को बताते हैं, कभी दिल्ली में सेवा कर रही है मम्मा, ये कहाँ से पता? और अब बताते हैं माउंट आबू में जन्म होगा। मुरलियां क्या कहते हैं, यमुना के कंठा माउंट आबू में पहुंच जाएगा क्या? मुरलियों में तो बताया है कि यमुना के कंठे पर राधा कृष्ण का जन्म होगा। वो बात भूल गई, माउंट आबू में गढ़ बना लिया है तो बस मठ पंत में ही जाके राधा कृष्ण का जन्म हो जाएगा। एक बीके सेंटर में गए थे बाबा, हैं बीके सेंटर में गए थे, हाँ भाई, तो रेटो वाले तो नहीं पढ़ा वो, लेकिन वो बहन जी बोल रहे हैं कि संदेश भी ऐसे वो गुजरात का भी संदेश लेकर आए, वो कुमारिका दास ने कुमार के रूप में जन्म लिया है ऐसा कहा है, वो सच है या नहीं मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं रेटो वाले नहीं पढ़ा पढ़ा था। कुमार दादी ने कुमार के रूप में जन्म ले लिया, जन्म ले लिया ऐसा संदेश आ गए ना ऐसा बोल रहे, जो लक्ष्मी माता ने घूंगल की लक्ष्मी माता ने पूछा था कुछ दिन से, उस समय वो ऐसे कहा ऐसे कही ऐसे संदेश में आया नहीं। संदेश में जो बात आती है उसका अर्थ बेहद का होता है, हद की बुद्धि हद के अर्थ समझती है, बेहद की बुद्धि उसके बेहद अर्थ पकड़ेगी। सच्चाई बेहद में होती है या हद में होती है? बेहद में सच्चाई होती है। मम्मा बाबा ने नेपाल में जन्म लेंगे, वो सुन नेपाल समझ लिया, फटाफट वहाँ सेंटर खोल दिया नेपाल की राजधानी में। मरा कुमार में प्रवेश हुआ होगी, अरे मरा जन्म वाला प्रत्यक्ष का जन्म है ना? हाँ जी, सन 78 की अव्यक्तवाणी, वो अव्यक्तवाणी है उसमें विश्व किशोर भाव के लिए बोला है कि विश्व किशोर भाव अभी स्थापना के कार्य में विशेष सहयोगी बन रहे हैं, टाइम आएगा तो प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो क्या उन्होंने जन्म ले लिया?
ब्रह्मा बाबा के जीवन काल में भाइयों में जो उनके दिल पर चढ़े हुए थे वो तो विश्व किशोर, और कन्याओं माताओं में जो ब्रह्मा बाबा के दिल पर चढ़ी हुई थी वो कुमारका दादी थी। तो ये दोनों समझते भी थे कि हम बाबा के वारसदार बनेंगे। तो वारसदार बनेंगे वो कौन सा नारायण हुआ? सतयुग में जो राधा कृष्ण बनाम ब्रह्मा सरस्वती के वारसदार बनेंगे वो कौन से नंबर के नारायण होंगे? सतयुग के सेकंड नंबर के नारायण होंगे। फर्स्ट नंबर का जो नारायण है उसमें ऊंचे से ऊंचे अल्लाह अव्वल दीन प्रवेश करता है, ऊंचे से ऊंचे धर्म पिता प्रवेश करता है। फिर नंबर दो का नारायण होगा उसमें कौन सा धर्म पिता प्रवेश करेगा? इब्राहिम, वो नंबर दो का धर्म पिता है दुनिया का। तो अपने ग्रुप में उन्हें सर्विस करनी है तो वहाँ प्रवेश करके वो अपना जन्म लेना है, प्रत्यक्षता करनी है। और क्या मतलब? एक होता है बुद्धि का साक्षात्कार और एक है बंद आँखों का साक्षात्कार। जो ज्ञानी आत्माएं होंगी वो बुद्धि का साक्षात्कार करेंगी, और जो भक्त होंगे जिनकी बुद्धि में ज्ञान बैठा ही नहीं है, बैठेगा ही नहीं, और उनको बंद आँखों वाले साक्षात्कार हो जाएंगे कि देखो तुमने ऐसा किया। चल
क्या तो जब बच्चे के सर्जन जाके सब जगह घूमते 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 हैं और जब ब्रह्म बाबा था वो खाई भूम चौक में रहता था तब वहाँ जाके देखते थे। वो तो माता जी था, माता का भावना रहना था और वो तो दूसरों को जाके देखते थे। और यहाँ तो ऐसा नहीं होता था, पिताजी सब जगह जाता है, माता जी तो वहाँ ही रहता था और सब वहाँ जाके दूसरा था। माँ तो घर में रहती है और बाप तो बाहर जाता है। दुनिया में जो परंपराएं चल रही हैं कि माँ घर संभालती है और बाप बाहर संभालता है, दुनिया में परंपरा कहाँ से चली है? लिंग से तो चली है। संगमों में जब स्वर्णिम युग आता है तो हमारे कर्म अकर्म बन जाते हैं। संगम युग में जब जब स्वर्णिम युग आता है हाँ। तो हमारे कर्म अकर्म बन जाते हैं हाँ जी। तो पुरुषोत्तम संगम युग तो स्वर्णिम संगम युग कब आता है? सोने का युग, एक होता है सोने का युग, एक है कॉपर का युग, चांदी का युग और लोहे का युग। ज्यादा वैल्यूबल युग कौन सा है? सोने का। सोने का माना सच्चाई का। जब सच्चाई कब आएगी? जब सारी कट उतर जाएगी तो सच्चाई आ जाएगी। अभी कट बढ़ी हुई है तो सच्चाई कहाँ है? बोला है जगदम्बा का पास आदि में भी मध्य में भी और अंत में भी है, सत्युग त्रेता में नहीं है, द्वापर कलयुग में पार्थ है, इसलिए मिस वर्ड गया है। द्वापर कलयुग में जगदम्बा का पार्थ है? हाँ, सत्युग त्रेता में नहीं, द्वापर कलयुग में पार्थ है, इसलिए मिस वर्ड गया है। द्वापर कलयुग में जगदम्बा का पार्थ है? हाँ, द्वापर कलयुग में हाँ, सर ब्रह्मा विष्णु जगदम्बा कहाँ के पार्ट है? संगम युग के पार्ट है। द्वापर कलयुग में कहाँ से आ गए? देवता तो एनक्रोस देवता तो सत्युग त्रेता में आता है। नहीं, 33 करोड़ देवता है, टोटल है जो कलयुग के अंत तक उतरते हैं। ठीक है, 10 करोड़ तो 10 करोड़ आते हैं त्रेता के अंत तक। ठीक है, और जो जो आते हैं द्वापर द्वापर कलयुग में जो आते हैं द्वापर कलयुग में जो आते हैं 23 करोड़ और उसमें और जो प्रजा में उनमें क्या फर्क है? तो सत्युग में आते हैं वो तो समु बाबा से मिला है इसलिए वो तो सत्युग और त्रेता में आता है। मगर जो कुछ द्वापर और कलयुग में आते हैं और प्रजा में उसमें क्या फर्क होता है? जो देवता वहाँ आते हैं प्रजा का क्या डिफरेंस है? सत्युग त्रेता में एक ही जन्मों की प्राप्ति करने वाले हैं वो डायरेक्ट बाप से प्राप्ति करने वाले हैं और जो प्राप्ति करने वाले हैं उनसे जिन्होंने प्राप्ति की है वो द्वापर कलयुग में। अब उसमें जिन्होंने पुरुषार्थ किया है वो राजघराने में आते हैं, नंबरवार पद पाते हैं, और जिन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया है परंतु जो पुरुषार्थ करने वाले हैं उनको फॉलो किया है इसलिए वो प्रजा में आ जाते हैं। पवित्रता को धारण करने की बात है, पवित्रता के लिए जो पुरुषार्थ करते हैं वो पद प्राप्त करते हैं। प्रजावर्ग की आत्माएं कोई पुरुषार्थ नहीं करती पवित्रता का, संदेश लेती है और सच्चाई से चलती है। समुद्र अभी चल रहा है केतु समुद्र हाँ रामेश्वरम में हाँ जी हाँ जी। तो क्या वो राम की आत्मा ने बनाया है ऐसा क्वेश्चन हो रहा है?
जो भी यादगारें बनी हुई हैं, चाहे पुराने पुराने मंदिर बने हुए हैं या राम सेतु बना हुआ है, वो सिर्फ प्राकृतिक रूप से ऐसा ड्रामा में डूब है कि वो बना हुआ है। बाकी ऐसे नहीं है कि वो राम ने बनाया था त्रेता युग में, ये तो यहाँ की यादगार बनी हुई है। यहाँ जो अभी एडवांस में और बेसिक नॉलेज में जो संघर्ष चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, वो वहाँ राम सेतु के रूप में दिखाया गया है। जैसे राम सेतु के लिए ये गायन है कि दो बंदर थे जिनके हाथों से तैराए हुए पत्थर पानी में ऊपर तैरते रहते थे, डूबते नहीं थे। अब पत्थर तो भारी होता है, डूबेगा कैसे नहीं। लेकिन ये ईश्वरीय ज्ञान जिनको मिलता है रामकृष्ण की आत्माओं के थ्रू, वो बहुत हल्के हल्के रहते हैं, पत्थर बुद्धि फिर भी हल्कापन महसूस करते हैं और वो सागर में तैरते रहते हैं। है ये दुनिया विषय सागर, विषय सागर में डूबते नहीं है। वो राम सेतु का जो गायन है कि एक तरफ से राम संप्रदाय से लेकर के रावण संप्रदाय तक पुल बांधा गया, वो अभी पुल ज्ञान रत्नों का बंध रहा है, बंध चुका है। ऐसी ऐसी हल्की बुद्धि आत्माएं हैं जो इधर से ज्ञान उठा करके सारा ज्ञान उधर दे देती है, इधर से उधर का इधर से कनेक्शन बना रहता है। उसमें दो संप्रदाय हैं, रावण संप्रदाय वाले चाहते हैं ये सेतु न बने, न होता तो अच्छा होता। इसका कनेक्शन होने से हमारे सारे जिज्ञासु टूट रहे हैं। और राम संप्रदाय वाले क्या चाहते हैं, ये राम सेतु बना रहे, बना रहेगा तो ईश्वरीय ज्ञान सारा ही रावण संप्रदाय में पहुंचेगा, सारी दुनिया रावण संप्रदाय से राम संप्रदाय बनी। अभी की सारी बातें, सूक्ष्म बातें भक्ति मार्ग में स्थूल रूप में दिखाई दी गई। मोर और बैल खूबसूरती होते हैं, उनका गर्भ आंसू से रह जाता है, इसलिए उनको नेशनल बर्ड कहते हैं। आप एक बार पढ़ लिया करिए, फिर बताइए क्या कहते हैं। मोर और बैल, मोर और बैल बैल, हाँ, मोर और मोरनी, मोरनी, हाँ जी, खूबसूरती होती है, उसका गर्भ आंसू से रह जाता है। हाँ जी, हाँ जी, तो इसलिए उनको नेशनल बर्ड कहा जाता है। हाँ जी, हाँ जी, तो ये कलयुग के भारत एक नेशन है और उसके मुकाबले विदेश भी नेशन है, लेकिन भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर माना जाता है। उसका मूल कारण ये है कि भारत में ऐसी उड़ान मोड़ते हैं याद की यात्रा की कि उस ऊंची उड़ान में देहभान खलास हो जाता है। जो देहभान खलास होता है तो प्योरिटी आ जाती है। मोर पक्षी में ही ऐसी प्योरिटी है। जो ब्रह्म इंद्रियों से संतान पैदा नहीं करता, देश इंद्रियों से संतान पैदा होती है। और दुनिया में कोई भी आज कलयुग के अंत में ऐसे पशु पक्षी नहीं बचे हैं या मनुष्य नहीं बचे हैं जो भ्रष्ट न बन पड़े हो, भ्रष्ट आचरण करने वाले न बन पड़े हो। मोर का मिसाल दिया हुआ है, मोर का पंख कृष्ण के मस्तक पर लगाया जाता है, माना उनकी बुद्धि पवित्र बुद्धि है,
अपवित्रता उस समय समाय नहीं सकती, इसलिए मोर पंख दिखाती है। ये इशारा है कि नई दुनिया जो होगी शुरुआत, उसमें वाइब्रेशन से पैदाइश होगी। बुद्धि इतनी पवित्र हो जाएगी कि बुद्धि का ही संसर्ग संपर्क होगा, कर्मेंद्रियों का संपर्क ही नहीं होगा, संबंध ही नहीं जुटेगा। ऐसे ऐसे मिसाल समझाने के लिए आज की दुनिया मिल रही है। और उसमें तो संगम सतयुग का कृष्ण तो 2018 में वध करने आया, और अपना सतयुग का 2036 में आने वाला है आज तक में। जब तो जब 2018 में जब सतयुग का कृष्ण आएगा तो लक्ष्मीनारायण तो आने को होगा ना, और 2036 तक चलता हुए तो प्रजापिता का क्या है, विश्व पिता विश्व माता रहने का है। तब तो ये टाइम में दोनों रहेगा क्या, लक्ष्मीनारायण भी रहेगा और विश्व पिता और विश्व माता दोनों पाठ चलते रहेगा क्या? यस टू गॉड इज शंकर, और शंकर को विश्व पिता कहा गया है। नेक्स्ट टू गॉड इज लक्ष्मीनारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज श्री कृष्ण, और नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। ये चारों ही नाम जो है वो एक ही व्यक्तित्व के लिए इंट्रोड्यूस करते हैं या अलग अलग पर्सनालिटीज है? लक्ष्मीनारायण है संपन्नता की स्टेज, शंकर का जो स्वरूप दिखाया गया है याद की स्टेज में वो पुरुषार्थ का रूप दिखाया गया है। संपन्न नहीं है शंकर माने ही मिक्स, प्योर नहीं है, रजोपटांता भी है, सात्विकता भी है और तामसी भी है। तामसी न हो तो शंकर द्वारा विनाश न गाया जाए। बाकी अपने अपने देखने का नजरिया है। एक ही व्यक्ति किसी को तमो प्रधान दिखाई पड़ता है, दुखदाई दिखाई पड़ता है, दुखदाई महसूस होता है, और वही व्यक्ति दूसरे को सुखदाई महसूस होता है। डबल पार्ट है। कराची से आज ही शुरू हुआ था, अभी तो कराची में इतना खून खराबा हो रहा है। कराची से शुरू हुआ, लेकिन अभी कराची में इतना खून खराबा हो रहा है, इसका कारण क्या है? कराची से तो यज्ञ नहीं शुरू हुआ, यज्ञ कहते हैं ज्ञान यज्ञ, ज्ञान का बीज रोपण कराची से हुआ। कराची है पश्चिम में और कलकत्ता है पूरब में। ज्ञान का बीज रोपण कहाँ हुआ? कराची से सैंपल का सैंपल हुआ ना? हाँ, स्वरक का सैंपल बना, लेकिन सैंपल अलग चीज होती है, सैंपल तो जड़ होता है, और जो असली स्वर्ग है वो तो चैतन्य है। जो सैंपल बना है उसकी यादगार अजमेर में दिखाई गई है। अजमेर में मुसलमानों का तीर्थ स्थान माना जाता है। वो कारीगर है जड़ बनाने वाले, और जो असली कारीगर है वो जड़ चीज नहीं बनाता है, असली चीज बनाता है। कराची से ज्ञान यज्ञ का फाउंडेशन नहीं पड़ता है, उसका फाउंडेशन पड़ता है कलकत्ते से।
पूरा से लेकर के पश्चिम तक वो ज्ञान फैलता है। शुरुआत है पूरब, सूरज कहाँ से निकलता है, रोशनी का आधार कहाँ से निकलता है, पूरब से निकलता है और कहाँ तक जाता है, पश्चिम तक जाता है। रोशनी है वो पश्चिम में बाद में क्यों जाती है, पूरब में पहले पहले भारत में क्यों, तो भारत में पहले भगवान आता है और पश्चिमी देशों तक अंत में वो रोशनी जाती है। जब 500 700 करोड़ मनुष्य आत्माएं सब, चाहे पूर्वी देश की हो चाहे पश्चिमी देश की हो, सब भगवान को पहचान लेती है, सब दुनिया का विनाश होता है। कराची में बम फटा तो हुआ, तो कराची में, बम्बई में, हैदराबाद में बम तो फटते ही रहते, सारी दुनिया में फटेंगे। कराची जो थी वो पहले थी मुसलमानों की पाकिस्तान की राजधानी, बाद में इस्लामाबाद बनी। पाकिस्तान की राजधानी आज भी संस्कृत की राजधानी है और जो लड़ाई की शुरुआत होगी वो भी कहाँ से होती है, असुरों से लड़ाई शुरू होती है या देवताओं से लड़ाई शुरू होती है, लड़ाई का बीज कौन डालते हैं, जो लड़ाई का बीज डालते हैं उन्हीं को सबसे ज्यादा फिर लड़ाई का मुकाबला भी करना पड़ता है। उनकी समझ ये थी कि हम आतंकवाद को शरण देंगे तो हिंदुस्तान को हम कब्जे में कर लेंगे, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि आतंकवाद सिर्फ हिंदुस्तान के लिए खतरनाक नहीं है, हमारे देश के लिए भी खतरनाक हो जाएगा और वो उन्हीं को नुकसान पहुंचाने लगा। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी दो सिरे हैं, कोई की चेहरे राक्षसी तैयार हो रहे हैं, रावण संप्रदाय से तैयार हो रहे हैं, कोई के चेहरे देवताई तैयार हो रहे हैं। जो राक्षसी चेहरे हैं और उनका जो गढ़ है वहाँ भी ऐसे तत्व घुसे हुए हैं जो उनका खुद ही विनाश कर देंगे। ये रामायण में और शास्त्रों में दिखाते हैं कि अंत में असुर आपस में ही लड़ करके खलास हो गए। बाबा भी कहते हैं पांडवों को लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती, पांडव लड़ाई नहीं लड़ते, युद्ध नहीं करते, लड़ाई कौन लड़ते हैं, यादव और कौरव, ये यवन लड़ाई लड़ेंगे कौरवों के साथ, ये असुर असुर ही आपस में भिड़ जाएंगे और तुमको मक्खन मिल जाएगा। मम्मा का संदेह क्या है, हाँ उसमें एक वाक्य आता है कि बाबा को गांधी पर बहुत मीठी प्यार लगता है, ऐसा बोलते है बाबा को दादी से बहुत प्यार है, तो मुरलियों में ही बोलते थे। सब सितारों में सबसे जास्ती खातरी होती है कुमारका की,
तो कौन खातिरी करता था? खातिरी करने वाला यज्ञ में उस समय कौन था, किया कौन था? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा जो कृष्ण की आत्मा है, कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है, क्रिश्चियंस लोग जो है विशेष रूप से कौन कौन से जानवरों की पालना करते हैं? कुत्ता और बिल्ली की, उनका विशेष प्यार था। से बनता है चंद्रवंश, राम से बनता है सूर्यवंश, चंद्रवंश से त्रेता में गाया हुआ है। कलाएं कम हो गई, त्रेता के बाद फिर कौन सा युग शुरू होता है, कौन सा वंश शुरू होता है? इस्लाम वंश शुरू होता है। किशोर भाव भाइयों में और कन्याओं माताओं में कुमार का दादी बाबा को सबसे जास्ती प्रिय बच्चे थे, और वो खुद भी समझते थे कि मम्मा बाबा की गद्दी नसीन हम ही बनेंगे। यहाँ ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में रहते हुए भी वो गद्दी नसीन थे मम्मा बाबा के पास। और जो नई दुनिया सत्य आ देगा उसमें भी वो, उन्होंने यहाँ शूटिंग कर ली, वहां भी जाकर के सेकंड नारायण नारायण भी बने। जो राजा होता है वो सबसे जास्ती राज्य में किसकी खातिरी करता है? वो भी राजा होता है, जो भी राज्य है उस राज्य में सबसे जास्ती खातिरी किसकी करता है? प्रिंस और प्रिंसेस की। उनका युवराज होता है, राजकुमार और राजकुमारी होती है, उनकी सबसे जास्ती खातिरी करता है ना, उनकी सबसे जास्ती पूर्ति करता है। शूटिंग यहाँ होती है, मम्मा में और दादी में बहुत फर्क था। कॉम्पिटिशन क्यों नहीं हुआ? उस समय कंपटीशन देखने में नहीं आता था, क्योंकि मम्मा ज्यादा भारी पड़ती थी। जो मम्मा के फॉलोअर्स थे वो मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद ये कि छोड़ करके ही चले गए। मम्मा तो ज्ञान ज्ञानी शरीर थी, मैं ब्राह्मणों की दुनिया में सबसे जास्ती मनन चिंतन मंथन किसका चलता था? मम्मा का ही तो चलता था। मम्मा वो जिसको याद करती थी उसका जो हाल होता है वो उनका हाल होगा। उन्होंने साकार रूप में भगवान के रूप में किसको याद किया? गीता का भगवान के रूप में किसको माना?
की गति होगी वही उनकी गति होगी। उनको प्रवेश करके पाठ बजाना है तो उनको भी प्रवेश करके पाठ बजाना। अंतर सिर्फ ये होगा कि उनकी प्रवेशता का फील होगा, दूसरा वंश ब्रह्मा जैसी आत्माओं का या मम्मा जैसी आत्माओं का, मर्दा दादी का प्रवेश करने का जो फील है वो होगा जो यहाँ उनको फॉलो करते थे बंदास करके। जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा ना, कुमार का दादी की जो बात मानने के लिए बाध्य थे, पक्की पक्की उनकी प्रजा थे, उसी के बीच में वो फील्ड में काम करेंगे। इसलिए संदेश में बता दिया कि दादी ने शरीर छोड़ा, 10-12 दिन तक बाबा के साथ रहेंगी, फिर बाबा उनको अपने फील्ड में भेज देंगे। दादी का फील्ड अलग, ब्रह्मा बाबा का फील्ड अलग, मम्मा का फील्ड ही अलग। मम्मा को जो विशेष पाठ बजाना है वो विजय माला के अंदर बजाना है। ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश करके ज्ञान है, एडवांस ज्ञान को लेता है बाबा, बाबा किसी में प्रवेश करके ज्ञान एडवांस ज्ञान को सुनता है। किसमें प्रवेश करके? राम के कोण में प्रवेश। हाँ जी, तो उसी तरह मम्मा की तो ज्ञान कैसे करती है एडवांस नॉलेज? मम्मा की सोल अभी नहीं लेती है एडवांस नॉलेज, क्योंकि जो जिसका घोड़ा होता है वो उसी में प्रवेश कर सकता है। मम्मा चाहे एडवांस के रुद्रमाला के मणकों में प्रवेश कर जाए, ये नहीं हो सकता। मम्मा का फील्ड है विजय माला में और ब्रह्मा बाबा का फील्ड है रुद्रमाला में प्लानिंग पार्टी में। ज्यादा मन चिंतन करती थी ना, तो इसका नाम ज्ञान ज्ञानेश्वरी है। तो वो एडवांस नॉलेज पहले नहीं करती है, एडवांस नॉलेज पहले नहीं करती है, एडवांस नॉलेज पहले क्यों नहीं करती है? ज्ञान ज्ञानेश्वरी है तो जिनका मन चिंतन ज्यादा करता है, जिनका कट उतरा है तो डायरेक्ट पास में ज्ञान। असली ज्ञानी वो है जो प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाए, या असली ज्ञानी वो है जो बोल बोल करके दिखाए? असली ज्ञानी कौन है? बेसिक नॉलेज का तंत्र धारण किया मम्मा ने, तंत्र है प्योरिटी, परंतु शरीर नहीं रहा। शरीर बीच में ही छूट गया, ये पूरी प्राप्ति नहीं कर पाती। लेकिन मम्मा की कौन दोनों में प्रवेश करती है? जगदम्बा में भी प्रवेश करेगी और जो छोटी माँ है वो भी। नहीं, जगदम्बा वास्तव में तुम्हारी ये ब्रह्मा है, वास्तव में जगदम्बा ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है वास्तव में। तो जो मूर्ति बनी हुई है जगदम्बा की वो कोई दूसरी आत्मा का शरीर है, है? हाँ जी, वास्तव में जगत की माँ का पार्ट, सहनशीलता का पार्ट ब्रह्मा ने बजाया, या दुनिया में कोई और आत्मा है जिसने इतनी सहन शक्ति का पार्ट बजाया? ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा नहीं बजाया। तो ब्रह्मा वास्तव में हमारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है, इसलिए माताओं की जाति उनको नहीं रखा जा सकता था। माता के रूप में जो माता स्वर्ग का गेट खोले
उस रूप में उनकी मान्यता नहीं है, पूजा नहीं है। फिर वही आत्मा जब किसी माता के तन में प्रवेश करती है तो जगदम्बा के रूप में पूजी जाती है। पूजनीय आत्मा बनती है या शरीर बनता है? है आत्मा गुणों को धारण करती है, आत्मा पवित्रता को धारण करती है, तो पवित्रता ही पूजी जाती है।